मैं पहले राजनीति में था, बाद में संस्था में आया, तो दोनों क्षेत्रों को जानते हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ AIIB का, ये शायद हमारे लिए काफ़ी शिक्षाप्रद रहा। यहाँ जो लोग राजनीतिक रूप से काम करते रहे हैं, बाद में आए हैं सामाजिक क्षेत्र में, उनको इसकी महत्ता मालूम है। ये शायद दूसरा प्रोग्राम है जिससे मेरी समझ बनी, क्योंकि अक्सर राजनीतिक कार्यकर्ता आर्थिक मामले में वो पढ़ता ही नहीं है, वो पेज को सीधे डायरेक्ट पलट देता है, तो दो क्षेत्र से उसका कोई रिश्ता नहीं रहता। एक तो ये आर्थिक वाला है, दूसरा फिर खेल भी है, तीसरा फिल्म भी है, नहीं दिखता, वो केवल भावनात्मक चीजें ज्यादा दिखता है। तो ये एक अच्छी बात रही कि जो और उनके साथियों ने इस प्रोग्राम को हाथ में लिया, आगे बढ़ाया, क्योंकि आदिवासी जंगल जमीन की तो बातें बहुत दिनों से, करीब 35-40 साल से हम करते भी रहे हैं, तो ये तो हमें खूब पता है, लेकिन इसमें हम कैसे जुड़ें, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और सारी चीजें तो हमारे हाथ में थी, लेकिन अगर इस प्रोग्राम को थोड़ा राजनीतिक कार्यकर्ताओं में इसकी भाषा शैली के बारे में सोचा जाए, एक उनकी समझ बनाई जाए, तो ये बड़ा मोदी सरकार के लिए घातक है। ये एक अच्छी बात है कि अगर हम इससे आगे बढ़ सके। दूसरी बात, आदिवासी हरिजनों की तो बात होती है, दलित की बात होती है, लेकिन क्या हम और जो लोग इनके बीच में वातावरण बनाते हैं उनसे हमारा कैसे रिश्ता बने? अगर इस तरह के प्रोग्राम को लेके जाएं तो मुझे लगता है इसकी काट नहीं है, और चीजों की तो काट है उनके पास में, धार्मिक भावना, हम जिस उसमें पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, उसके बारे में बहुत सी चीजें तर्क देते हैं तो लोग मान भी लेते हैं, लेकिन ये तर्क अकाट है। अकाट के माने कि इसको काटा नहीं जा सकता, इसलिए जरूरी है कि इस प्रोग्राम की जो महत्ता है, इसकी हैसियत है, हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको बढ़ाना चाहिए। कुछ इसी तरह की बातें थी, इसीलिए शुरू में मैंने सोचा था इसको चिट्ठी में लिख के भेजेंगे, लेकिन फिर भी लगा कि इतने लोग उपस्थित हैं, बहुत से पास चिट्ठी नहीं जाएगी, मैं अपनी बात कह दूंगा। दूसरा, एक विकास को लेकर बात होती है, विकास, विकास शब्द जनता नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा हैसियत। देखिए, विकास के अलावा स्वराज की मैं बात नहीं करते हैं, स्वराज शायद सबको पसता नहीं है, समझ में नहीं आता, खैर छोड़ दीजिए, लेकिन विकास की जगह और दूसरे लड़ेंगे जीते हैं, इसमें भी थोड़ा सा पेच है। आप जब ये बात कहते हैं तो लोगों को उम्मीदें बनती है कि जरूर जीतेंगे, और ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हम जीते नहीं है, हम भी नहीं जीते। मैं सिंगरौली में काम करता हूं, कोई थर्मल पावर नहीं रोक पाए, कोई खदान नहीं रोक पाए, लेकिन लड़ाई से एक जागरूकता पैदा होती है, ये हमारी सफलता है। अगर हम जीतेंगे, बार बार इसको दोहराएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हम बंधते हैं, तो इस बात का भी सोचा जाना चाहिए। बस मैं अपनी बात यही करूं। अवधेश कुमार जी, हु वर्क्स विद द स्वदेश लोकित समिति इन मध्य प्रदेश, he said that he has come from the political activism side into the social movements, and it was a very informative and educational session to him to be at the workshop. And one of the feedbacks he has is if we can take the essence of the workshops and try and reach out to different audiences, in which he's identified two audiences. One is political activists themselves, because people who are involved in political activism stay away from finance, just like they stay away from arts and sport as well. So there needs to be that an audience which can be engaged, and if we can engage political activists, it can be a challenge to how the political processes of the BJP are going on. We need to give this back to them. And the other is the while we are talking on behalf of Dalit and Adivasi communities in our presentations at the convention, there's very little that goes back to these audiences. So we need to find a way to take whatever is the impact that's happening back to Dalit and Adivasi communities. And the last thing is, we need to also think about our sloganeering, because the slogans that we have been giving, such as we have fought, we have won,
give a sense that, you know, we will fight, we will win. But the thing is that on the ground we are not winning. But it's, that doesn't mean that the resistance movement themselves are unimportant. They're very important because they raise the awareness of the communities on what the projects are coming. So maybe part of our thinking can come from thinking about how we give slogans to some of the challenges that face us, because that changing in itself would help shape our outlook.